कर्फ्यू और धारा 144 के दौरान नगरपालिका अमला लगा हुआ है गरीबों को खाना पहुंचाने में। दीनदयाल रसोई में बनाया जा रहा है खाना। नगरपालिका के साथ साथ बाहर के लोग भी कर रहे हैं सहयोग। असहाय झुग्गी झोपड़ी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। सुनील रजक की स्पेशल रिपोर्ट। अंत्योदय रसोई जो हमारी प्रचलित है उसके माध्यम से हम खाना बनवा रहे हैं और उसमें जन सहयोग की आप सभी लोगों से सहयोग लेकर उसमें अभी हमने सामान लिया है, कुछ क्रय किया, किराने का है, जैसे आटा है, ये है वो है, और उसमें आप जन सहयोग के माध्यम से खाना तैयार किया जा रहा है। और खाना बनने के पश्चात जो बेसहारा लोग या कुछ ऐसे जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जो आवारा घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना खिलाया जा रहा है। और जो स्टेशन है, स्टेशन पर जो फुटपाथ पर जो लोग पड़े हुए हैं उनको है, और शेष वो लोग हैं जो बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं कम थी या कम होते जा रही हैं, ऐसे लोगों को जो है खाना वितरित किया जा रहा है। जो बीपीएल सूची में नाम नहीं है या बीपीएल सूची में है नाम और उनको खाद्यान्न कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को खाना प्रदाय किया जा रहा है। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आपके सामने भी आया है सहयोग में या? हाँ, इसमें एक सहयोग में हमारे पीएस होटल वाले जो हैं उनके द्वारा 1 लाख का चेक उन्होंने प्रदान किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे पुण्य कार्य पर उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। और जनता से कोई अपील चाहेंगे? और जनता से यही चाहूँगा कि जन सहयोग, आप लोगों के सहयोग से बेसहारा लोगों को और गरीब लोगों को खाना प्रदाय किया जा रहा है। यदि कोई की इच्छा और यदि भावनाएं रहीं तो वो अपना अपना सहयोग किसी भी रूप में दे सकते हैं। ये कहाँ सूचित करें अगर किसी को सहयोग देना है? अगर विशेष सहयोग देना है तो कलेक्टर के माध्यम से भी, जिला कार्यालय से या फिर नगरपालिका से संपर्क किया जा सकता है। ये आपसे सीएम नगरपालिका से भी कर सकते हैं। ठीक है।